जाता है और उन्हीं विचित्र चीजों में से एक है खुद इंसान। आपको पता है कि हर एक इंसान की अलग पहचान होती है, अलग लुक होता है। जैसे कि दिनेश जो है ना, वो इस लुक में दिखाई देता है, इसका नाम दिनेश है, मेरा नाम शिवराज है, इसका नाम जीतू है। आप लोग देख रहे हो, आप सबको अपना अपना नाम बताएं। और इसी दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका वजन जो है ना एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा हो जाता है, और ऐसे भी इंसान है जिनकी हाइट जो है ना 8-8 फीट तक होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि यार सच में एक कमाल की शख्सियत है, और उनकी जो हाइट है वो बिल्कुल छोटी है, उनका वजन है बिल्कुल कम है, लेकिन उम्र बढ़ चुकी है। और गाइस इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे छोटी लड़की, उनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है छोटी हाइट के अंदर। और गाइस आप लोगों को बता दूं, उनकी हाइट है मात्र 2 फीट और उनकी उम्र है 29 साल, यानी कि 29 ईयर ओल्ड। और गाइस उनका वजन माने तो 5.5 किलो के अप्रोक्स आस पास है। तो गाइस हम लोग हमारे गाँव से आ चुके हैं उनके पास मिलने के लिए, और गाइस आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उनसे हम मिलवाने वाले हैं। सकते हो नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा कि
आसपास है ना मैम? हाँ, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि मैम मैम के बारे में जानने के लिए लोगों को सबको पता है वैसे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल छोटा सा जो बच्चे होते हैं ना उस टाइप से, लेकिन 29 साल इनकी है। जो इधर दिखाऊं तो मैम इतने तो मैंने रिकॉर्ड अपनी जिंदगी में एक साथ कभी देखे ही नहीं जितने आपने मेडल ले लिए। भाई सच बता रहा हूँ, इतने तो मैंने अपनी आंखों से एक साथ कभी नहीं देखा, इतने सारे मेडल। और उधर देखो भाई, इंसान जो है ना एक एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मरता है कि यार कैसे भी करके वो मुझे मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो लाइन लगी हुई है। ये देखो, ये अलग सर्टिफिकेट है गिनीज का, गिनीज का, गिनीज, गिनीज, गिनीज और लिम्का का। और मैडम मैडम एक बात जो कर रहे थे, हमने बोला मैडम आप इन मेडल्स के लिए एक सेपरेट ना रूम बनवा, बड़ा सा, उसके अंदर सारे मेडल रख लेना आप। तो मैम एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, तो अगर आप डेली रूटीन में करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती? थोड़ी सी छोटी हाइट की वजह से परेशानी होती है? नहीं, क्योंकि घर पे सब मेरे साइज का बना के दिए, जैसे कि चेयर है मेरे साइज की, मेरा बेड छोटा भी है, मेरा बेडरूम भी, मतलब जो मेरा जो बेडरूम है उसमें सारी मेरे साइज की चीजें हैं। और मुझे कभी ऐसे फैमिली वालों ने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं सबसे अलग हूँ। तो भाई फैमिली भी है ना, ज्योति मैम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। और ज्योति मैम के साथ में बहुत सारी एरिया में देखता हूँ, इनके मम्मी जी पापा जी इनको बहुत सारा बेकअप प्लान रखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो भाई क्या बात है, उनके लिए भी यार एक लाइक बनता है। और मैम के लिए तो लाइक क्या यार, आज तो हर एक जगह इंडिया में हर एक कोने तक, वैसे तो फेमस है ही, लेकिन जहाँ तक वीडियो पहुँचना चाहिए ना वहाँ वहाँ पर पहुँचा दो बिल्कुल। तो गाइस मैम को गोदी लेने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी बड़े उम्र के इंसान को गोदी में ले रहे हैं, ऐसा लगता है मतलब इनके अंदर बच्चों की वाइब्स आती है, जैसे हम बच्चों के साथ रिएक्ट करता ना वैसी वाइब्स आती है। और मैम दिल के बहुत अच्छे हैं। और मैम एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपके चेहरे पर एनी टाइम स्माइल रहती है। हम आए हुए यहाँ पर एक डेढ़ घंटा हो गया, मतलब आप हंसते रहते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मैम। तो मैम अब आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। ये तो मैम की स्पेशल ही चेयर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये स्पेशल चेयर होने के बावजूद भी मैम के लिए थोड़ी बड़ी है। बड़ी है ना मैम? थोड़ी सी बड़ी है। एक्चुअली मैम ये देखो, एक नॉर्मल चेयर ये है और मैम चेयर के ऊपर बैठे हैं, फिर भी ये चेयर बड़ी लग रही है उधर से। ये देखो, तो मुझे ये बताओ कि आपकी जो एजुकेशन है वो अभी क्या है, या फिर आपने एजुकेशन लाइन को अब छोड़ ही दिया? आप बताओ। करना हो
हॉरर स्टोरी। हाँ मैंने वो भी मतलब सब रिसर्च किया, देखा था कि मैम वहाँ पर कुछ बता रहे हैं सबको और ये स्टोरी कवर अप कर रहे हैं। और मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैम एक बार मैंने देखा था और एक फोटोज में देखा था कि मैम मिली है दुनिया के सबसे टॉलेस्ट यानी दुनिया के सबसे लंबे आदमी से मिली थी, तो मैम आपको उनसे उनको देखकर कैसा लग रहा था? Yeah, man.
मैम भी जो है वो चाहता है कि मैं अपने तरीके से काम करूं, किसी की हेल्प ना लूं, तो जहां तक एज पॉसिबल है मैम खुद का काम खुद ही करते हैं, जैसे कि सारा काम जो हो गया। हाँ, आपको मैं अपनी ड्रेस दिखाती हूं और मेकअप भी दिखाती हूं। मेकअप दिखा रही हूं, लगाना नहीं है। तो भाई ये है हमारी सबसे छोटी लड़की जो कि अभी अलाइव है और लाइव है, और इनसे ही आज का वीडियो जो है ना वो खत्म करवाते हैं। तो मैम प्लीज आप इस वीडियो को खत्म करो। और आपको ये वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और हाँ मेरे चैनल को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही सबको सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। और भाई बाय बाय। और मैम का जो चैनल है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से उनको भी देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, वीडियो सकेको छ। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो भिडियो हेरिसकेपछि मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि कमेन्टमा प्यारा प्यारा कमेन्टहरू लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।